असलम साहब, मेरा नाम आफ्ताब और हम यूपी से। मेरा सवाल है कि किसी लिमिटेड कंपनी में जब हम काम करते हैं तो उसमें पीएफ की सैलरी कटती है हमारी तनख्वाह से। फिर जब हम काफ़ी सालों तक काम कर लेते हैं तो उसमें 12% पीएफ कटता है, उसमें 24% पीएफ मिलता है। इसमें से 12% हमारा होता है, 3% जो है कंपनी देती है, अब 8% से कुछ ज़्यादा जो है पेंशन का पैसा मिलता है। कुल मिला के 12% हमारा, 12% दूसरी पार्टी की तरफ से मिलता है। तो वो पैसा लेना कैसा है, या ऐसी कंपनियों में काम करना कैसा है? आप बड़े शहरों में रहते हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा कि इन लिमिटेड कंपनी में काम करना कैसा होता है। अभी तसल्ली बख्श सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, के सवाल ये है कि ये जो कंपनी में काम करने से जो पीएफ मिलता है, तो देखिए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, सरकारी अदारे हो, जहाँ भी ये पीएफ मिलते हैं, तो ये आमतौर से इसके बारे में यही सुनने में आता है, वल्लाह आलम, कि ये उनकी सैलरी से कट होता है। तो बाज़ अहले इल्म का ख्याल ये है कि भाई ये एक तरह का अतिया है, यानी सैलरी भी नहीं दी गई है, ऐसा नहीं कि दे के ले ली गई है, ये कंपनी की तरफ से होता है और बाद में उसमें जो ऐड करके मिलता है वो भी कंपनी की तरफ से। तो अगर ऐसा है कि आपकी सैलरी में से कुछ कट रहा है या आपकी सैलरी में से नहीं कट रहा है, कंपनी आपकी सैलरी एक तय करती है, उसमें से कुछ पैसे नहीं देती है, वो अलग रखती है, और कुछ पैसे बाद में उसमें मिला के आपको देती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी इदारे हों, तो उसमें कोई मसला नहीं है, यानी वो एक तरह से अतिया है। लेकिन अगर ये है कि आपके हिस्से से पैसा काट के बैंक में रखा जाता है और बैंक वाले उस पर सूद बढ़ा के देते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर कंपनी आपको दे रही है, यानी उसमें बैंक का और सूद का कोई मसला नहीं है, बल्कि आपकी रकम पर जो इजाफा हो रहा है, वो इजाफा अगर सूद नहीं है, वो इजाफा कंपनी बढ़ा के दे रही है, तो फिर कोई मसला नहीं है। जो आपकी सैलरी से रकम काटी गई वो भी आप ले सकते हैं, और जो बढ़ा हुआ है वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ने की वजह क्या है, सूद है, यानी जो पैसा आपका कहीं बैंक में रखा गया था और बैंक ने कुछ बढ़ाया है और वो कन्फर्म सूद है, तो वो हिस्सा आप जो है नहीं ले सकते। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा।